जय कुंदकेश्वर महादेव, निवेदन है आप लोगों से, अगर डॉक्टर कह दें कि ये केस बहुत बिगड़ा हुआ है, इस व्यक्ति के बचने के चांस बहुत कम हैं, या कोई महिला प्रेग्नेंट हो, उसकी डिलीवरी होने में अधिक परेशानी हो रही हो, डॉक्टर ये कह दे कि माँ बच्चे में से कोई एक बचेगा, तो बस उस सिचुएशन में आपको कुछ न समझ आ रहा हो तो बस आप एक लोटे में जल लो, केवल साधारण जल और कुछ नहीं, बस किसी भी शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस लोटे के जल को शिवलिंग पर चढ़ा दो, बस इतना कहना कुंदकेश्वर महादेव से उस महिला का नाम लेकर जिसकी डिलीवरी होने वाली है, हे कुंदकेश्वर महादेव, अब उस स्त्री और बच्चे की सुरक्षा आपके हाथ में है, आपको ही जच्चा बच्चा को बचाना है, उलझाना है कि सुलझाना है बस तू जाने, ये तेरे ऊपर है, पूरी श्रद्धा के साथ जल को चढ़ाते जाना है और कहते जाना है, या जिस व्यक्ति बचने के चांस बहुत कम हो, डॉक्टर जवाब दे दे उस व्यक्ति का नाम ले अपने मन में और कुंदकेश्वर महादेव से उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए बोले और किसी भी शिवलिंग पर सादा जल लोटे में लेकर चढ़ा दे, देखना वो व्यक्ति फिर से ठीक हो जाएगा। और ये उपाय जिस महिला के लिए कर रहे होंगे या कर रही होंगी, देखना कुंदकेश्वर महादेव के चमत्कार से जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहेंगी और डिलीवरी होने में हो रही परेशानी तुरंत समाप्त हो जाएगी। देखिए, किसी के यहाँ बच्चा होता है तो लोग उस खुशी में ढोल नगाड़ा लेकर दूसरों के यहाँ तो पहुँच जाते हैं ये बताने के लिए कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ है, लेकिन वही दूसरे के यहाँ पहले ना पहुंचकर महादेव से कहा जाए कि प्रभु आप जानो, आपको ही सब संभालना है, सब अच्छा अच्छा रखना है, तो भगवान कैसे नहीं सुनेगा। हालांकि महादेव तो सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी परेशानी खुद जाकर बाबा से कहेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव बहुत जल्द सुन लेते हैं और बड़ी सी बड़ी कठिनाई को चुटकियों में हल कर देते हैं। देखिए, जल तो भगवान पर सभी चढ़ाते हैं, बस कब कहाँ किस भगवान का स्मरण करके जल चढ़ाना चाहिए ये अगर पता चल जाए तो जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। तो हमेशा खुश रहिए और हमेशा निरोगी रहिए।